बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे एज प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं इन दो खानों को यहाँ से मर्ज करता हूँ। यासीन को भी मर्ज कर लिया, या आप इन दो खानों को भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लिया। मर्ज वैसे कर ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। चारों खानों को सिलेक्ट करने के बाद यास से आल बॉर्डर कर लिया और थोड़ा साइज भी बढ़ा दिया। मैंने यहाँ से टाइप कर लिया करंट डेट, यह भी टाइप कर लिया डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट, डेट ऑफ बर्थ। करंट डेट फॉर एग्जांपल आज 11/16/2018 है, ये करंट डेट है। डेट ऑफ बर्थ किसी का भी डेट ऑफ बर्थ, मैंने कहा एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी डेट 5/5/6 सपोज 1990 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ये करंट डेट हुआ, ये डेट ऑफ बर्थ हुआ। अच्छा, उसके बाद चलो थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं। मैंने कलर भी दे दिया, करंट डेट, डेट ऑफ बर्थ। यस मैंने टाइप कर लिया ईयर, सा मालूम करना है, ईयर लिख लिया, मंथ लिख लिया, डे लिख लिया, ये मालूम कर लिया। यस मैंने टाइप कर लिया करंट डेट, या बेटा आप कर लिया डेट ऑफ बर्थ, या बेटा आप कर लिया करंट एज। अब देखो ये टेक्स्ट जो आपने सेल से एडजस्ट नहीं हुआ था, डबल क्लिक करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। डबल क्लिक करो टॉप के ऊपर, ये एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से जब इनको सेलेक्ट कर लिया, चलो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर मैंने कलर भी दे दिया। अच्छा, ये क्या लिख लिया, करंट डेट, डेट ऑफ बर्थ और करंट एज। अब मैंने यहाँ पे इक्वल ईयर, मुझे साल मालूम करना है किसका, करंट डेट का, तो ये करंट डेट आ रहा है, करंट डेट से मैंने साल मालूम करना है, साल 2018 इज इक्वल टू, फिर मैंने मंथ मालूम करना है, फिर मैंने मंथ मालूम करना है, इक्वल मंथ, कहाँ से मंथ मालूम करना है, यहाँ से मालूम करना है, इंटर करो, यहाँ से मंथ मालूम हो जाएगा, इक्वल। फिर मैंने डे मालूम करना है, कहाँ से, करंट डेट से, इंटर, कह रहे 2018 है, 11/16 अब डेट ऑफ बर्थ मालूम करना है, इक्वल ईयर, मैंने साल मालूम करना है किसका, डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ से साल मालूम करना है, इक्वल। फिर मैंने टाइप कर लिया, मैंने मंथ मालूम करना है, कहाँ से, यहाँ से मंथ मालूम करना है, इज इक्वल टू, पर मैंने डे मालूम करना है, कहाँ से, यहाँ से, इंटर कर लो, तो ये आपको बताया कि साल 2018 है, 11 है और 16 है, 1990 करंट डेट ऑफ बर्थ आ रही, 5/6। अब इसकी एज मालूम करनी है, इक्वल 2018-1990। आपने 2018 नहीं लिखना, आपने इनका सेल एड्रेस देना होगा, क्योंकि हो सकता है हम किसी और का पेड़ डेट ऑफ बर्थ डाल दें, हो सकता है डेट, करंट डेट कोई और चेंज हो जाए, मतलब हम ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने हमेशा सेल एड्रेस देना होगा, इक्वल, ये बंदा 28 का है, मंथ माइनस हो जाए इस मंथ से, 6 का इक्वल, डे माइनस हो जाए इस डे के साथ, तो ये बंदा 28 साल 6 महीने 10 दिन का है। ये सिंपल आपने डेज मालूम कर लिए। फिर हम कहते हैं सॉरी साल मालूम कर लिए, डेज ऑफ द ईयर, साल में कितने दिन होते हैं, डेज ऑफ द मंथ, साल में कितने मंथ होते हैं, सॉरी मंथ में कितने दिन होते हैं, डेज, और फिर टोटल डेज मालूम करना है, तो मैंने यहाँ से टोटल डेज कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगर इसको मर्ज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, इसको भी मर्ज कर लिया और इन दोनों को भी सेलेक्ट करके मर्ज कर लिया और इन दोनों को भी सेलेक्ट करके मर्ज कर लिया। अच्छा, आर बॉर्डर भी कर लिया। अब क्या मालूम करना है, डेज ऑफ द ईयर, भाई कितने दिन है साल में, इक्वल कितने बन, कितने साल का है, ये 28 जरबे एक साल में जो है 365 दिन होते हैं, इक्वल मंथ ज़रब है, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में एवरेज जो है 30 दिन की होती है, इंटर, इक्वल। फिर मैंने डे लिख लिया, डे को वैसे ही कर लेना, इंटर, इसी को अब सम करते हैं, टोटल डेज कितने हो गए, ये बंदा टोटल जो है 10,410 दिन को, ये 10,220 ये खाली 28 का है, ये 180 6 का है, 10 दिन वैसे लिख लिया, फिर इन तीनों को मैंने सम कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्शन कर ली और इसको मर्ज कर लिया,
यहाँ पर टाइप कर ले सपोज एज प्रोजेक्ट, एज प्रोजेक्ट टाइप कर लिया। चलो इसका थोड़ा साइज भी बढ़ा लेते हैं। एज प्रोजेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया दो दो खानों को, मर्ज वैसे कर लेता कि थोड़ा सा अच्छा लगे। इसको यहाँ से मर्ज कर लिया, इसको यहाँ से मर्ज कर लिया, इसको यहाँ से मर्ज कर लिया। जब को सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने ऑल बॉर्डर्स कर लिया पर टाइप कर लिया भाई ये बंदा कितने घंटों का है, कितने मिनट्स का है और कितने सेकंड्स का है। तो आप ये भी मालूम कर बंदा कितने घंटों का, कितने मिनट्स का और कितने सेकंड्स का है। अच्छा यहाँ पे क्लिक कर लेता है, यहाँ पे भी क्लिक कर लिया इक्वल। ये बंदा कितने दिन का है, 10,410 ज़रबे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये बंदा 2,49,840 घंटों का इक्वल घंटा मल्टीप्लाई बाई एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये बंदा 1,49,90,400 मिनट्स का है। इक्वल मिनट्स ज़रबे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, अंदाजा लगा दो। ये इस तरह एवरेज हो गया। अगर मैं किसी और का डेट ऑफ बर्थ लिखूँ, मैं कहता हूँ दूसरा महीना है 10 तारीख है, सपोज 1988 है किसी का डेट ऑफ बर्थ, बता रहे कि 30 साल है, 9 महीने है, 6 दिन है, डे प्रोजेक्ट है, सारा आखिर तक मुकम्मल चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा हमारे दो यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, एक है वाजिद बाजी और दूसरा आ रहा है CCI Academy। आप इन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी न्यू वीडियो होगा आपको यहाँ से मिलेगा।